Asta? Asta! Desi ma'am, you are here. Look at Desi ji. Ma'am, look here. Center. Ma'am, look here. Ma'am, look here. Right here. I like to smile while clicking. चलो अंदर चलो मैडम लाइट नहीं दे सकते इधर गए थे इधर लाइट नहीं दे सकते मेरा तो अच्छा हाँ चल अंदर जल्दी लाइट छाप रहा हूँ उधर जाना चाहिए नहीं नहीं इधर ही ठीक है इधर ही ठीक है इधर ही ठीक है यार देखिए जो तुमको आ गया हो आओ ना पीछे लड़की जाए देख रहे थे तेरे का बहन देखा हुआ है अरे भाई भाई जय इधर लेफ्ट में ये राजन है ये राजन Thank you. Thank you.
Well, all your friends have been doing well.
and the box office has been breaking so far. Yeah? What pleases you the most about this theater industry? That you get to play a lot of characters which you are not, so you are constantly challenging yourself, and obviously, I mean, the learning comes across, you're learning everything every day. I mean, it's too early to say that, to ask you rather, which is your favorite character, because it's still a very, very long way to go. We really want to see you for many, many years to come. So, thank you very much for entertaining us, and most importantly, thank you very much for joining us at Adoptathon 2009. Give a big hand for Shah, everybody. Come on. And if you could like, if you could please give a few solo pictures to the media people, because sab tarah se hain aap usko bhi dekh lijiye. मैं खुद ढूंढ लूँ पहले वो कुछ नया मेरे लाइफ में. एक्चुअली मैं पहली बार नहीं आ रही हूँ, ये मैं पिछले साल भी आई थी, उसके पहले साल भी आई थी. इनफैक्ट मैंने इन्हीं से एक पपी भी अडॉप्ट किया था. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि बहुत आई कम्प्लीटली यू नो सपोर्ट द फैक्ट जो यूज़ करते हैं ना, दैट अडॉप्ट डोंट शॉप. सो आई थिंक दैट इज़ अबाउट इट. आई मैं ना हमारे इतने फैंटेसीज होती है कि हमको ये डॉग चाहिए, हमको ये ब्रीड चाहिए, वो ब्रीड चाहिए, बट वॉट अबाउट द स्ट्रेज. आई मीन पारिया इज एक्चुअली आर नेशनल क्या बोलते हैं ब्रीड ऑफ डॉग. सो आई थिंक दे नीड होम्स टू. एंड आई मीन आई ऑल्सो फील कि यू नो एक घर में एक डॉग होने से पूरा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है. आई मीन कोई खुश होना हो तुम्हारा कुत्ता ज़रूर खुश होगा तुम घर में आए तब. मैं मेरे घर पे डॉग्स मेरे बॉर्न होने के पहले से थे. सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वेयर माई लव कम्स फ्रॉम फॉर देम. बट एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मतलब स्कूल डेज में आई हैड अ डॉग पोमरेनियन, एंड वो उसकी आदत थी कि घर का अगर दरवाज़ा खुला रहता था वो भाग जाता था, मतलब भाग जाता था, नीचे जाता था, घूम फिर के वापस आ जाता था. तो एक दिन मैं ट्यूशन से वापस आ रही थी तो आई सॉ माई डॉग इन द गार्डन एरिया एंड आई स्लैप्ड हिम एंड देन ही रैन अवे फॉर 3 days. और बारिश की सीज़न थी, ही केम बैक आफ्टर 3 days फुल कीचड़ में लिपटा हुआ, एंड देन ऑब्वियसली ही फेल सिक एंड देन ही पास्ड अवे. सो इट्स अ सैड स्टोरी, इट्स नॉट अ हैप्पी स्टोरी, बट दैट इज़ वन स्टोरी विच विल ऑलवेज बी विथ मी. आई मीन अगर मेरे हाथ में होता तो मैं खुद जाके मारती उनको. सो आई थिंक मीन एक गुंगा जानवर है, उसके ऊपर अत्याचार करके, उसको बॉदर करके, उसको इरिटेट करके क्या मतलब है. आई मीन क्यों ज़बरदस्ती उंगली करना. अब बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात 11 को इतना पसंद किया जा रहा है. एक नया सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर, बहुत ही डिफरेंट है. तो एक रिस्क था, एक हम लोग ने एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, एंड बाय गॉड्स ग्रेस यू नो इट्स बीन रियली वेलकम्ड एंड पीपल आर लाइकिंग इट. सो थैंक गॉड टू इट. एक्सपीरियंस तो अच्छा था, बहुत नई चीज़ें सीखने मिली. फुटबॉल मुझे नहीं आता था, अब जाके फुटबॉल वैसे भी नहीं आता है मुझे आज भी, पर आज अगर कोई मेरे साथ फुटबॉल के बारे में कॉन्वर्जेशन करेगा तो मैं वो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ा पाऊँगी. एक फिल्म है जिसका नाम है सी यू इन कोर्ट, जो ये मंथ स्टार्ट हो रही है, एंड देन फेब्रुअरी देयर इज अनदर बॉलीवुड फिल्म विच इज़ स्टार्टिंग. सो या आई थिंक द फ्यूचर लुक्स अ लिटिल बिजी राइट नाउ एंड आई एम हैप्पी विद इट. इट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी. आई मीन ऐसा होना बहुत ज़रूरी है. हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए कर क्या रहे, कुछ नहीं.
मुंह है बस बोल दिया बट एक्शंस आई थिंक एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स सो इट्स अबाउट टाइम दैट दिस इज द अवेकनिंग इससे ज्यादा और कितने किस्से चाहिए आपको समझने के लिए कि ऐसे लोगों को आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू लिव यू नो माई मम हैज एक्चुअली गिवन मी एन अल्टीमेटम टूडे कि इस बार ही गई और अगर कोई कुत्ता लेकर आई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी सो आई डोंट नो बट me knowing myself I don't know main shayad koi adopt kar bhi lu by consequences baad mein dekh lenge acha aapke paas koi pet hai as a dog ya cat aur agar hai to kitne saal se hai mere paas ek chihuahua hai jo abhi 11 saal ki hai aur maine ek cat bhi adopt ki thi but I had to sadly give her away because we realized that I am super allergic to cat fur to wo ek thing tha but okay it was adopted secondly I took it from a friend तो मेरे फ्रेंड के पास भाई और बहन दोनों थे तो मैं बहन को लेकर आई थी तो अभी भाई बहन दोनों साथ में है आई एम क्लियरिंग इट आई मीन सी लव कैन चेंज एनी थिंग ओके सो इट द एज इज नॉट द बैरियर हियर यू कैन टेक अ 2 months ओल्ड पपी ऑल्सो यू कैन टेक अ 2 year ओल्ड डॉग ऑल्सो इज द वे यू ट्रीट हिम इज़ द वे यू वॉन्ट टू हैव दैट कनेक्ट विथ हिम आई मीन डॉग्स जहाँ तक मैं जानती हूँ द अमाउंट ऑफ लव दैट दे एमिट फॉर अदर्स नथिंग एल्स कैन मैच इट आई एम सुपर एक्साइटेड आई मीन मैंने फिल्म बिट्स एंड पार्ट्स में देखी है अब मुझे एक साथ देखनी है थैंक यू ये ठीक है ना Okay, so ladies and gentlemen, hello. How you doing? Very well. So you've always been an animal lover? Yes, sir. Always. And coming here is like kind of paradise for me because I don't know where to go, who to meet, who to date. And all my friends have adopted about 7 stray dogs, so that is very good. And the thing about Indies is that I urge everyone to go and adopt because they're not high maintenance. They're born with dog. They're equally cute, equally loyal as well. So please just adopt everyone and let's make sure that we get all our furry friends a nice sweet home. And we will save a life as well. I mean that is the utmost importance. So please go and adopt.